नए साल पर राम भक्तों को तोहफा, पंबन ब्रिज की जगह बनेगा नया पुल। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के खतरनाक पुलों में शुमार हो चुका पंबन ब्रिज आने वाले सालों में इतिहास बन जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी पुल के साथ एक और रेलवे पुल बनाने का फैसला किया है। ये पुल रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है। पुराने पड़ चुके इस ब्रिज की जगह आधुनिक तकनीक के साथ नया पुल बनाया जाएगा। जब कभी कोई जहाज को पास किया जाता है तो इस ब्रिज को दोनों तरफ से उठा दिया जाता है। इसकी हाइट उस जगह पे उतना क्लियरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इस ब्रिज को ऊपर उठा दिया जाता है और इसके नीचे से जहाज निकलते हैं। ये ब्रिज चूंकि 114 साल से पुराना हो चुका है, इसकी लाइफ लगभग खत्म होने वाली है, तो इसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए हो सकता है कि हम लोग इसको शीघ्र ही इस पे एक नया ब्रिज का प्रस्ताव करें। पुराना पंबन ब्रिज जहाज के लिए बीच से खुलता है, जबकि बनने जा रहा नया पुल जहाज के लिए ऊपर उठकर रास्ता देगा। नए ब्रिज को पुराने ब्रिज के ठीक बगल में बनाया जाएगा। तमिलनाडु के मंडपम से रामेश्वरम के बीच समंदर पर 2 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। ये पुराने पंबन पुल से 3 मीटर ऊंचा होगा। 250 करोड़ की लागत से इसे 4 साल में पूरा करने का प्लान है। वहीं रेलवे ने रामेश्वरम से धनुषकोडी तक रेल लाइन बिछाने की भी मंजूरी दे दी है। ये लाइन हमारी 17.20 किलोमीटर की है और ये रामेश्वरम से धनुषकोडी को जोड़ेगी। करीब 200 से ऊपर करोड़ की लागत से इस लाइन को हम बनाएंगे। इसमें 3 हॉल्ट स्टेशन जैसे पहले थे, उस तरह के 3 हॉल्ट स्टेशन, जिससे राम भक्त पंबन ब्रिज से गुजरते हुए रामेश्वरम और फिर आगे धनुषकोडी तक होते हुए राम सेतु तक पहुंच सकेंगे। एक खबर राम भक्तों के लिए सौगात की तरह है, क्योंकि इस पुल के बन जाने से राम सेतु तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस पुल के निर्माण में रेलवे आगे कितना वक्त लगाएगा। ब्रिज साकेत सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।